fire. फियर फाइल्स के इस एपिसोड में हम चोटी काटने वाली चुड़ैलों की एक सच्ची कहानी देखेंगे। आज से लगभग 5 वर्ष पहले उत्तर भारत के कई हिस्सों से चोटी काटने वाले डायनों के कई किस्से सुनने को मिले। इस बात में कितनी सच्चाई है जानेंगे फियर फाइल्स की एक सच्ची कहानी में। डायन पंथ के अनुसार डायन किसी को भी अपने बस में कर सकती है। ये अपनी इच्छा अनुसार कोई भी रूप और आकार बदल सकती है और इनकी शक्ति इनकी चोटी में होती है। लेकिन इन डायनों के द्वारा केवल जवान लड़कियों को ही क्यों निशाना बनाया गया था? इसके पीछे कोई शैतानी शक्ति थी या फिर केवल अफवाह? जानेंगे आज आगरा की रहने वाली दिशा श्रीवास्तव की जिंदगी में घटी एक सच्ची घटना से। एक रात जब दिशा अपने घर के बाहर गाना सुन रही थी, तभी उसे महसूस हुआ कि कोई दूर से उस पर नज़र रख रहा है। यह बात वह अपनी माँ को बताती है तो उसकी माँ उसे वहाँ जाकर देखने को बोलती है, लेकिन वह डर से वहाँ नहीं जाती है। दिशा अपने पिता के गुजर जाने के बाद अपनी माँ के साथ अपने मामा के यहाँ रहती थी। मामा के घर पर सभी दिशा और उसकी माँ मानसी के साथ बुरा बर्ताव करती थी और घर का सारा काम उसी से करवाती थी। दिशा के मामा की लड़की आर्या कॉलेज में दोस्तों के साथ मिलकर दिशा को बुली करती थी। उसी रात एक डायन बिल्ली के रूप में दिशा के कमरे में घुस जाती है और उसकी चोटी काट देती है। जब सुबह दिशा को इस बात का पता चलता है तो वह घबराकर रोने लगती है। अगली रात को दिशा की माँ की नींद एक डरावने सपने से टूट जाती है तो उन्होंने देखा कि दिशा बेड पर नहीं थी। उसे दिशा बाहर काले कपड़ों में मिलती है। असल में डायनों ने दिशा पर काला जादू करके उसे डायन बनाना शुरू कर दिया था। उसके पैर उल्टी दिशा में मुड़ने लगे थे। अगली सुबह दिशा काली कपड़ों में कॉलेज में पहुंच जाती है। दिशा को महसूस होता है कि जैसे वह सोचती है वैसा ही हो रहा है। आर्या कॉलेज में जब अपने दोस्तों के साथ मिलकर दिशा को बुली करती है तो वह अपनी शक्ति से वहां पर खड़े सभी स्टूडेंट्स को मारती है। जब दिशा घर पर वापस आती है तो उसे रास्ते में बिल्ली के रूप में एक डायन दिखती है। घर पहुंचते ही आर्या की माँ दिशा और उसकी माँ को बुरा भला कहती है और दिशा का मामा दोनों घर से निकल जाने को कहता है। जब दिशा घर से बाहर जाने की मना करती है, आर्या की माँ जब दिशा पर मारने के लिए अपना हाथ उठाती है तो वह उसके हाथ को अपनी शक्ति से मोड़ देती है और इसके साथ वह सभी पर हमला करती है। वह अपनी शक्ति से सभी को मारती है। दिशा के मामा किसी भी तरह एक बाबा को कॉल करके बुलाते हैं, तब जाकर सभी की जान बच पाती है। बाबा दिशा को अपने साथ ले जाते हैं और अपमार्जन क्रिया द्वारा डायन बन रही दिशा को फिर से इंसान बनाकर उसे बचा लेते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।